हेलो और स्वागत है आपका HTML लर्निंग सेशन की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट HTML, यानी कि हम शुरुआत करेंगे HTML के बिगनिंग पॉइंट से और आज के एडवांस लेवल तक हम जाने वाले हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि HTML कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे उसमें डेवलपमेंट है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML की हिस्ट्री के बारे में। बिना टाइम वेस्ट किए लेट स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द टीसी लर्नर। टिम बर्नर्स-ली जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और इंजीनियर, उन्होंने जो है HTML को डेवलप किया था सबसे पहले। इन 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने एक मेमो लिखा जिसमें इंटरनेट बेस्ड हाइपरटेक्स्ट सिस्टम के बारे में बात की गई, और उसके 2 साल बाद यानी 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने एक डॉक्यूमेंट मेंशन किया जिसका नाम रखा गया HTML टैग्स, और वो फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल डिस्क्रिप्शन था HTML का, जिसमें इनिशियली 18 एलिमेंट्स थे जिनमें से 11 अभी भी जो हैं वो HTML 4 में मौजूद हैं। बाकी के कुछ जो हैं वो एडवांस लेवल पे अवेलेबल हैं और कुछ जिनका यूज़ नहीं होता उन्हें हटा भी दिया गया है। उसके बाद 1993 में डेव रगिट जो कि कंप्यूटर के स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने भी एक ड्राफ्ट निकाला HTML प्लस करके, जिसमें उन्होंने पहले से इम्प्लीमेंटेड कुछ फीचर्स जैसे टेबल और जो फॉर्म हम यूज़ करते हैं वो, उन सबको जो है एक ड्राफ्ट बनाया उसका। लेकिन वो जो ड्राफ्ट था वो 1994 में एक्सपायर्ड हो गया, यानी उसको और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद 1995 में HTML 2 को पब्लिश किया गया जिसमें कुछ बेसिक सी डेवलपमेंट्स थी। उसके बाद 1997 में W3C यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये W3C जो है एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो बहुत सारे लोगों को मिला के क्या करती है, वेब डेवलपमेंट की तरफ फोकस करती है, यानी वेब डेवलप और अच्छे से कैसे किया जाए इसके ऊपर ये जो एक कम्युनिटी है वो है। तो इन्होंने HTML 3 को पब्लिश किया, तो W3C की तरफ से ये पहला डेवलप्ड वर्जन था। उसके बाद 1997 में ही HTML 4 को जो है W3C ने रिकमेंड किया और उसमें 3 वेरिएशंस डाली गई, स्ट्रिक्ट, ट्रांजैक्शनल एंड फ्रेम सेट। उसके बाद 1998 में HTML 4.0 या फिर 4.0 जो है उसको रीइशू किया गया, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके, और उसका जो नंबर था उसको इंक्रीज नहीं किया गया, यानी उसका नाम जो था वो HTML 4 ही रखा गया। उसके बाद 1999 में W3C ने HTML 4.1 को रिकमेंड किया। उसके बाद 2000 में जो HTML है उसको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो बना दिया गया। उसके बाद 2000 में W3C ने रिकमेंड किया XHTML का वर्जन फर्स्ट। XHTML जो था वो XML पर HTML का एक कंबाइंड टाइप आप कह सकते हैं वो था। बेसिकली उसमें क्या हुआ, उसकी स्ट्रिक्टनेस जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई, डेटा हैंडल करना थोड़ा सा इजी हो गया, जो HTML था वो थोड़ा सा और एक्सटेंड हो गया। उसके बाद HTML 5 का जो है 2008 में एक वर्किंग ड्राफ्ट जो है वो W3C ने पब्लिश किया। उसके बाद उसको 3 साल लगे, यानी 2011 में उसको लास्ट कॉल दिया गया, यानी उसमें जितने भी सेटिंग्स थी, जितने भी एलिमेंट्स थे वो वगैरह सब टेस्टिंग जो भी थी वो सब किया गया। उसके बाद 2012 में WHATWG यानी व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यानी उसमें हमें कोडिंग के साथ साथ हमें पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी अवेलेबल हुई, यानी ग्राफिक्स के साथ साथ ग्राफिक्स का यूज़ करके आप वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते थे। उसके बाद 2014 में HTML 5 का एक स्टेबल वर्जन जो है वो लॉन्च किया गया। उसके बाद 2006 में उसका एक एडवांस वर्जन यानी 5.21 को कुछ अपडेट्स के साथ W3C ने रिकमेंड किया। उसके बाद 2017 में ही HTML का 5.1 एंड 5.2 जो है वो लॉन्च किए गए, और आज भी हम HTML का लेटेस्ट वर्जन यानी कि 5th वर्जन जो है वो हम यूज़ करते हैं। यही थी HTML की हिस्ट्री फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं,
या फिर आप हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। और हम अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।